जस घने कोहरे से घिरी चांदनी रात में प्रेतवाधित सड़क पर चलना शुरू करता है। सेटिंग भयानक और रहस्यमय है। जस चलते समय एक परेशान करने वाली शांति का अनुभव करता है। सड़क के किनारे लगे पेड़ टेढ़े मेढ़े और भयावह हैं, जिससे डरावना माहौल बनता है। रोंगटे खड़े होना और कंपकंपी बेचैनी की भावना को बढ़ाते हैं। जस एक दूर से शोकपूर्ण विलाप सुनता है जो उनकी रीढ़ को ठंडा कर देता है। आवाज तेज और तेज होती जाती है, जिससे घबराहट होती है, डर घर करने लगता है। जैसे ही जस चलना जारी रखता है, छायादार आकृतियां पेड़ों के बीच से गुजरने लगती हैं। भय तीव्र हो जाता है और वे अपनी गति तेज कर देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई द्वेषपूर्ण चीज उन पर नजर रख रही है। आगे की सड़क अचानक लंबी होती दिखाई देती है, जिससे जस के लिए एक भटकाव और दुःस्वप्न जैसा अनुभव पैदा होता है। वे लड़खड़ाकर गिर जाते हैं, खुरदुरे डामर से अपनी हथेलियां रगड़ते हैं। ऐसा लगता है कि सड़क अपने आप में एक अलौकिक इकाई बन गई है। जैसे ही जस खड़ा होता है, उन्हें एहसास होता है कि वे भूतिया प्रेतों से घिरे हुए हैं। खोखली आंखों वाली ये आकृतियां द्वेष और प्राचीन आतंक को दर्शाती हैं। डर भारी हो जाता है। वर्णक्रमीय आकृतियां जस के करीब आती हैं। उनकी हड्डी वाली उंगलियां खतरनाक ढंग से बाहर निकलती हैं। वे डर की भावना पैदा करते हुए समझ से बाहर बुरे सपने वाले शब्द फुसफुसा रहे हैं। जस भागने का प्रयास करता है, लेकिन पाता है कि उसके पैर नहीं हिल रहे हैं। भूतिया आकृतियां लगभग उन पर हावी हो जाती हैं और आतंक अपने चरम पर पहुंच जाता है। वे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, यातना समाप्त होने की प्रार्थना करते हैं। अचानक सताहट उतनी ही अचानक बंद हो जाती है जितनी शुरू हुई थी। कोहरा छट जाता है और चांदनी बादलों से छट जाती है। जस सड़क के अंत में खड़ा है, हिल गया है और राहत महसूस कर रहा है। राहत और अद्भुत शांति की भावना कहानी के समापन का प्रतीक है।